मुझे नहीं पता कि जो शब्दों की कमी का एहसास कर रहे थे महाराजा वो मुझ में ना आ गया हो, मुझे पता नहीं ऐसा क्या है। मैं इस सत्र की ओर बहुत अच्छी तरह से देख रहा था लेकिन अब मैं थोड़ा कांप रहा हूं इस सत्र के प्रति, एक सत्र की और आवश्यकता है कि इस पूरी श्रृंखला को मैं पूरा कर लूं। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक या प्रचारक होते हैं वो कई बार अपनी श्रृंखला को पूरा नहीं करते ताकि उनको फिर से निमंत्रण मिले प्रचार करने का। बहुत ही वरदान पाए हुए शिक्षक हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो इस श्रृंखला को आने वाले समय में जरूर पूरा करेंगे। अपने दिल की गहराइयों से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया कि जो कुछ गवाहियां मैंने सुनी, जो अद्भुत दृश्य मैंने पिछले 3 दिनों में देखे, विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है। और मैं परमेश्वर की भलाई और उनकी विश्वास योग्यता का निरंतर उनके लिए महिमा करना चाहता हूं क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि लोगों की क्षमताओं, लोगों की प्रतिभाओं से कहीं बढ़ करके और कामनाओं से कहीं बढ़ करके हमारा परमेश्वर कार्य करता है। क्यों ना मैं धन्यवाद दूं राजस्थान पेंटिकॉस्टल कलीसिया का यहाँ पर कि उन्होंने मुझे बहुत ही आत्मिक आशीषें इन दिनों में प्रदान की। लेकर के आए और मुझे तैयार किया और ये अनुभव देने में उन्होंने मुझे एक मौका दिया। आज मैं इन 3 पदों के बारे में आपके सामने यहां पर बात करना चाहता हूं जहां पर एक कथन हमको सामने मिलता है, यीशु मसीह आप में, यीशु मसीह आपके अंदर। कार्य पूरा नहीं करके जा रहा हूं ये है कि पर्याप्त रूप से, पूर्ण रूप से मैं उस बात को यहां पर समझा कर नहीं जा रहा हूं, कुछ अंश मैंने समझाया है और मैं उसको छूंगा जरूर लेकिन पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। और पौलुस की 3 अन्य पत्रियों पर मैं आपको लेकर जाऊंगा जहां पर आश्चर्यचकित वाला कथन हमको मिलता है कि यीशु मसीह, मसीहा आप में। और मैं आपको श्रृंखलावार तरीके से वहां पर लेकर के जाऊंगा। और समयों के अनुसार जहां जहां जिस जिस स्थान पर वो पाई जाती हैं वो बातें मैं वहां पर आपको लेकर जाऊंगा। उसके 3 अध्याय, उसके 13वें अध्याय और 5वें पद को हम देखेंगे। उसका 13वां अध्याय अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। Brother T.M. George those days, जब मैं अपने
छात्र के जीवन में था और एक अन्य भाई के साथ में वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करता था। अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहा था और वो स्नातक के उपरांत वो और आगे की पढ़ाई कर रहे थे। We had an elder in our church. तो हमारी कलीसिया के अंदर एक अगुवे थे। Every now and then he will...